भगवान राम ने जब अपनी पत्नी सीता को खो दिया तो उन्होंने उनकी तलाश शुरू की और तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी, जो उन्हें राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव के पास ले गए, जिन्होंने सीता माता की खोज में अपनी सेना को चार अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा। यहाँ कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। कई लोग समझते हैं कि सेना केवल श्रीलंका और नॉर्थ और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में गए थे, लेकिन वे भूल गए कि उस समय भूगोल वर्तमान से अलग था और भारत मौजूद नहीं था। वानर राजा सुग्रीव ईस्ट की ओर जाने वाली सेना से कहते हैं कि ईस्ट की तरफ जाने पर एक गर्म हवा का आइलैंड मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के श्लोक 4:40-48 में फैंटास्टिक फायर का वर्णन किया है। वो अवश्य ही इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका के बीच पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जिक्र कर रहे होंगे। सुग्रीव आगे कहते हैं कि इस ओशियन को पार करने के बाद कोई उदय आद्री देखेगा। उनके अकॉर्डिंग उदय आद्री में पृथ्वी पर दिन का प्रारंभ होता है। सुग्रीव आगे कहते हैं उदय आद्री पहुँचने के दौरान वे जात शिला रूपा गोल्डन रॉक पीक देखेंगे, जो सोने की तरह चमकता है, जिस पर एक गोल्डन पोडियम के साथ तीन ब्रांचेस वाला पाम ट्री जैसा सुनहरा स्तंभ है, जिसका निर्माण आकाश से देवताओं द्वारा पूर्वगामी कंपास के रूप में किया गया है, जिसके आगे उदय आद्री स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू रामायण, पेरू उगते हुए सूरज की भूमि है। अब इंटरेस्टिंगली साउथ अमेरिका के पेरू का पेराकस ट्राइडेंट एंडीज माउंटेन में एक जियोग्लिफ है, जिसे वहां के लोकल स्टोरी के अकॉर्डिंग पेरू के एक प्री इंकन सिविलाइजेशन भगवान विराकोचा के लाइटनिंग रॉड के रूप में माना जाता है, जो सुग्रीव के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता है। अब कोइंसिडेंटली आकाश के देवता इंद्रदेव की ही तरह विराकोचा को भी सूर्य और तूफान के देवता के रूप में पूजा जाता था और वह अपने हाथों में वज्र धारण करते थे। कुछ लोग इस बात को भी एक कहानी मान लेंगे, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन आज से हजारों साल पहले भी बहुत एडवांस थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंद्रदेव विराकोचा है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।